अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है संडे और आज मैं एक और ब्लॉग बनाने वाली हूँ। आज का ब्लॉग थोड़ा सा डिफरेंट होगा क्योंकि आज मैं जा रही हूँ आईएलटीएस के टेस्ट के लिए। वैसे मुझे आईएलटीएस का टेस्ट नहीं देना था क्योंकि मेरा कोई इरादा नहीं है बाहर जाने का, मगर मेरी दोस्त को देना था तो मैंने सोचा कि चलो मैं भी उसके साथ दे देती हूँ। देख लेती हूँ मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, कभी मुझे ज़रूरत पड़ी आईएलटीएस देने की तो फिर मेरे लिए आसानी होगी। इससे ही आज से तकरीबन एक साल पहले मैं आईएलटीएस के टेस्ट के लिए गई थी, लेकिन जब मैं टेस्ट कंडक्ट करने गई थी एज एन इन्वेस्टिगेटर एबीएन एसोसिएशन की तरफ से, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। तकरीबन हर साल आईएलटीएस के इसी तरह से मॉक टेस्ट होते हैं मूवन पिक पर, आज भी वही हैं। और तकरीबन टाइमिंग उसकी होती है सुबह 10 बजे से रात शाम 7 बजे तक। तो लास्ट टाइम मैं गई थी जब मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, मैंने पूरा टाइम किया था और उसमें पूरे डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं जिसमें अलग अलग टाइमिंग्स के हिसाब से जो है टेस्ट होते हैं। आप किसी भी टाइमिंग में जाकर किसी भी स्लॉट में जाकर अपना टेस्ट दे सकते हैं। उसके अलावा ये होता है कि वहाँ पर काउंसलिंग सेशन भी होता है अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज से जो है वहाँ पर स्टडीज़ के लिए लोग आए हुए होते हैं और उनसे आप अपना कंसल्ट कर सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। तो इसलिए हम लोग आज जा रहे हैं ताकि हमारी थोड़ी सी काउंसलिंग भी हो जाए और हम टेस्ट भी दे दें कि हमें आगे क्या करना है। तो मैंने सोचा मैं जाती हूँ दुरिया के साथ और देखती हूँ कैसा है वहाँ का। आज मैं टेस्ट देने जा रही हूँ, लास्ट टाइम में गई थी तब भी मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था वहाँ की टीम के साथ, उन वहाँ पर जब मैंने काम किया था तो, और पूरा टाइम हमने वहाँ पे दिया था, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। आज हम लोग 2-3 घंटे के लिए जा रहे हैं क्योंकि बस जैसे ही टेस्ट होगा फिर हम आ जाएंगे। तो मैंने सोचा मैं वहाँ पर एक छोटा सा ब्लॉग शूट करूँगी। तो अभी मैं बस तैयार हूँ और मैं निकलूँगी, मेरे साथ दुर्गा जा रही है और 1 बज रहा है, हम लोग निकलते हैं और फिर हम देखते हैं हमें कौन सा स्लॉट मिलता है आईएलटीएस के लिए टेस्ट के लिए। और क्योंकि डिफरेंट स्लॉट्स होते हैं, अब हम 1 बजे जाएंगे तो शायद हमें 3 बजे या 2-3 बजे वाला या 2:30 बजे वाला जो स्लॉट होगा वो मिल जाएगा। तो अभी चलते हैं और मैं तैयार हूँ बस, अब मेरे बाल ड्राई हो जाएं तो बस हम निकलेंगे। और दुर्गा को मैं कॉल करके देखती हूँ वो तैयार है या नहीं, लास्ट टाइम हम लोग गए थे तो वो तैयार थी शुक्र है, तो आज भी वो तैयार ही होगी टाइम से। बस अब हमें निकलना है और फिर मैं आप लोगों से वहीं जाकर मिलती हूँ। मुझे तो कुछ नहीं पता था, मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने कुछ जब कुछ नहीं पता होता ना तो अच्छा लगता है, जब पता होता तो नहीं अच्छा लगता क्योंकि मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन ली नहीं थी इस बारे में। मैं तो बस और कार्ड दे दिया बोलने और वो चाह रहे थे कि हम उनके ऑफिस आके और उनसे ना पूछे, सारा मकसद ये था। 30,000 यार सिर्फ वो एज अ एजेंट। हाँ एजेंट और काम भी करता है। हाँ तो अभी हम लोग जो है आइल्स का वेट कर रहे हैं, अभी तकरीबन 1 घंटा आधा घंटा है आइल्स में। हमने सोचा हम नीचे, लेकिन वो कह रहे हैं आज है, आप 10-15 मिनट में निकल गए, आप गाइड तो गए आप। तो अभी हम जा रहे हैं बस नीचे, हमने सोचा तो कुछ खाएंगे लेकिन हमारे पास कुछ खाने का अभी टाइम नहीं है क्योंकि हमारे फिर आइल्स निकल जाएगा और आइल्स दे के हम डायरेक्ट घर जाएंगे क्योंकि दुनिया ने बहुत खौर करवाया मुझे और बिरयानी खानी घर जाकर सारी कहानी है। अगर हमें रास्ते में कुछ अच्छा मिले तो हम वो खाएँगे वरना फिर हम घर जाके ही खाएँगे। तुम वो तो दिखा दो व्यू। हाँ अभी मैं व्यू दिखाती हूँ आपको दुर्गा की पुरजोर फरमाइश पर। हमारा यहाँ पे एक गाड़ी है, दूसरी गाड़ी है, यहाँ पे बस गाड़ियों का ज़ूम इन उफो करो ज़रा, मेरे हाथ भर दिए तुमने, आगे चलो। ये हमारी दुर्गा की व्लॉगिंग हो रही है, दुर्गा मेरा हाथ बहुत छिल रहा है। हाँ नहीं हिलाओ ना, वही तो पकड़ो खुद ही, तुम बनाओ बात की। दीज आर हमारे जो है ना वो हैं फ्लैग, और वो ना हमें बंदा दिखता हुआ आ रहा है और हमें डर लग रहा है कि कहीं आके बोले नहीं भाई उसने करे हाँ। और ऐसा फीलिंग आ रही है, वो बंदा जल्द आ रहा है, बोले मोबाइल नहीं कर रहा। अच्छा जी, यहाँ पे कौन कौन से फ्लैग आपको नज़र आ रहे हैं? एज यू सी दैट आई डोंट नो, पाकिस्तान का होगा एक आध तो कोई और हो ना, और आई डोंट नो ये उड़ भी नहीं रहा है, पता भी नहीं चल रहा। ये हमारा मूविंग पर होटल है और ये उसकी वो साइड है जिधर हम चल के आए अभी, हमारा नहीं है, हम यहाँ पे सॉरी ऐड कर देना है, बाकी हम आपको बताते हैं अंदर जाके। कुछ खास तो नज़र नहीं आया जो हम देखने आएंगे, तो अभी हमें सिर्फ 5 मिनट ही हुए, हम सोच रहे हैं वापस चले जाएँ क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है अंदर, तो
लेकिन अब हम उनसे बोल कर आए थे कि हम 15-20 मिनट रुकेंगे, तो दुरिया हम जाएंगे तो बुरा लगेगा ना फ़ौरन से। हाँ तो हम ये गार्डन वार्डन और घूम लेते हैं, अगर हमें किसी ने रोका नहीं और बोला नहीं कि आप कहाँ जा रही हैं, तो अभी हम चाह रहे हैं नो पार्किंग, ताकि तुम्हारी बेइज्जती हो जाए। नो पार्किंग है ना, नो ह्यूमन थोड़ी है, नो पार्किंग है, नो वॉकिंग थोड़ी है। ये दिखाओ ना आप, हमारा बैक एरिया बैक यार्ड नहीं है बिल्कुल भी, ये मूविंग पिक वालों का है। अगर वो आती तो हमें ज़्यादा मज़ा आता, क्योंकि ये स्पोर्ट कार देख के ना लारे पागल हो जाती है। हाँ, गार्डन में चलते हैं। नहीं ना, दुरिया कर उन्होंने मना किया था, वापस आ जाएंगे घूम के। मैं बोला अब मैं जा ही रही हूँ, क्योंकि आई फील सो ब्यूटीफुल हियर। एज यू कैन सी दैट, मेरा दिल तो कर रहा है बोलने का, लेकिन ना मैं चाह नहीं रही क्या। आओ हम इधर चलते हैं, इधर चलते हैं आओ। अच्छा यहाँ पर जितने भी लोग हैं ना जो आइल्स के लिए वेट कर रहे हैं वो अब घूम रहे हैं, और हम बहुत अच्छी सी जगह पर आ गए हैं, समथिंग लाइक रमादा। यहाँ पर आके ना मुझे रमादा वाला फील आ रहा है। सोचा कि हम कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं, क्योंकि हम आए कहीं और हम पिक्चर्स ना लें ऐसा हो नहीं सकता, और हमारे अच्छी जगह दुरिया को इतनी जल्दी हो रही थी कि जल्दी चलो आईएलएस का हमारा टाइम ना निकल जाए। अब दुरिया को फिक्र ही नहीं है, हमें 15-20 मिनट हो गए यहाँ पे आए हुए और वहाँ टाइम ना निकल जाए हमारा। अब हम जल्दी से ऊपर जाते हैं, मेरा फ़ोन जो है ना वो बंद होने वाला है। लोकेशन दिखा दी, हाँ निकाली थी, मेरा फ़ोन बंद होने वाला है। बिल्कुल रमादा वाली लोकेशन है, बट रमादा की मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है इससे, वो ज़्यादा बड़ा है वहाँ का पूल, पूल बहुत बड़ा है, लेकिन ये भी अच्छा है, ठीक है। लेकिन अब जो है ना मेरा फ़ोन ऑफ होने वाला है, मैं जल्दी जल्दी से जितना शूट होगा करूँगी, बाकी फिर हम एडजस्ट कर लेंगे। नहीं वो तो हो जाएगा, दुरिया दुरिया के फ़ोन से हम कर लेंगे शूट। अभी हम जल्दी से चलते हैं, टेस्ट दें जल्दी से। इतना महंगा तो नहीं है, बट अभी हम ऊपर इतना हम लोग लेट हो चुके हैं कि सब कुछ सिमट गया है यहाँ पर, और टेस्ट हमारा काफ़ी अच्छा हुआ है। अभी हम बाहर जाके देखते हैं, बिल्कुल सब कुछ ख़त्म हो गया, हम लोग एंड एंड के लास्ट था। अभी कुछ और लोग भी बैठे हुए थे टेस्ट के लिए, मगर एक और टेस्ट अभी एक और हो रहा था, मगर हमारा तो हो गया, और बस हम डायरेक्ट घर जाएंगे, बहुत देर हो चुकी है। चार्जिंग भी चली गई, तो मैं दुरिया के फ़ोन से शूट कर रही हूँ, और मैं पावर बैंक रखना भूल गई थी हमेशा की तरह। तो अभी हमारा एंड हो गया है दिन, और अब हम घर जा रहे हैं। अगर हमने कुछ खाया पिया रास्ते, सो हंग्री,
हमें जब भाव भूख लग रहा है अगर हमने कुछ खाया पिया तो फिर हम लोग बाहर कुछ खा लेंगे अगर हमें कुछ मिल गया, वरना हम डायरेक्ट घर जाएंगे और घर जाके कुछ खाएंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आगे ब्लॉग कंटिन्यू किया तो मैं आगे कर दूँगी। बाकी अल्लाह हाफिज़।